अगर आप ढाबा और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी को मिस कर रहे होंगे तो ये टमेटो पेस्ट बिल्कुल हमारी सब्ज़ी को ढाबा और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी जैसी बनाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूँगी एक कटोरी, मैंने यहाँ ऑयल लिया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ हाफ कटोरी जो है आधा कटोरी ऑयल डालना है और इसे हम हल्का गर्म होने देंगे। अब मैंने लिया है 5 से 6 टमाटर जिसे मैंने मिक्सी पर अच्छे से पीस लिया है और हल्का सा दरदरा रहने दिया है और इसे मैं डाल दूंगी अब पैन पे। ये देखिए, अब इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अच्छे से आपको चलाना है, इसमें जितने भी माने पानी है मॉइस्चर है हमें सभी को अच्छे से सुखाना है। तो ये हमारा अब धीरे धीरे हम इसे पूरी अच्छे से सुखाएंगे। ये देखिए, अब दोस्तों ये पेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो सब्ज़ी है ना उसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये बनाता है और इससे सब्ज़ी का जो स्वाद है बिल्कुल माने इतनी बढ़िया हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर ही ट्राई करिएगा। इसे मैं हमेशा डालती हूँ। अभी हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर यह हल्का पानी सूख चुका है तो इसमें मैं अब बचा हुआ जो ऑयल है वो ऐड कर दूंगी। तो ये ऐड करके हम इसे फिर से दोबारा अच्छे से मिक्स करके फिर से हम पकाएंगे। इसे हमें जब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए और ये ऑयल छोड़ ना दे। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स करके हम इसके अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे। आपको चलाते रहना है। अब हम इसे थोड़ी देर और ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में इसे ढककर अच्छे से पका लूँगी। अब 2 से 3 मिनट में देखिए ये ढककर पककर देखिए कैसे हो गया है। ऑयल अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है। ये देखिए, लगभग ऑयल छोड़ दिया है, पानी भी लगभग बहुत सूख चुका है। ये देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आ गया है। ये देखिए, ऑयल पूरी तरह इसने छोड़ दिया है। अब ये इसमें मैं हल्का सा दोस्तों बिल्कुल आपको हल्का सा इसमें नमक ऐड करना है। बिल्कुल हल्का सा करिएगा। ये जो हमारा तेल और थोड़ा सा जो नमक है ना, ये हमारे जो नेचुरल प्रिजर्वेशन का काम करेगा जिससे कि आप इसे 10 से 15 दिन तक अपने फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो टमेटो पेस्ट की जगह जो हम कच्चा टमेटो पेस्ट यूज़ करते हैं ना उसकी जगह आप इसे यूज़ करिएगा तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। और ये मैंने नमक ऐड कर दिया, हल्का सा नमक लेना है दोस्तों क्योंकि हम सब्ज़ी में भी ऑलरेडी नमक डालेंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे कि थोड़ी मिर्ची और जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो 2-3 मिनट के बाद ये देखिए, अब मेरा यहाँ पर बिल्कुल लगभग टमेटो पेस्ट रेडी है। ये देखिए, पूरी तरह इसका पानी और जो मॉइस्चर था पूरा सूख चुका है, ऑयल बिल्कुल छोड़ चुके हैं। ऑयल को अगर आपको नहीं डालना है सब्ज़ी में तो आप मत डालिएगा। इसे हम नेक्स्ट टाइम जो टमेटो पेस्ट बनाएंगे हम उसमें यूज़ कर लेंगे। या तो ऑलरेडी आप सब्ज़ी में तेल कम डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने ऑयल लिया है। तो ये आप आराम से इसे 10 से 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो आप ये ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए कितना सुंदर हमारा टमेटो पेस्ट रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं इसे बर्तन पर निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा टमेटो पेस्ट रेडी है और इसे आप एक कंटेनर में टाइट करके भर के आप फ्रिज में रख लीजिए।